हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। आज की वीडियो में मैं आपको गन पाउडर के बारे में बताऊंगा। गन पाउडर के बारे में आपको इतना तो पता है कि हम इसको जनरली मैक्सिमम केसेस में इसे हम एक्सप्लोजिव्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि होता क्या है, किस किस से बना होता है, किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, क्या कलर होता है, वो सभी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ ये बना किसका होता है, तो अगर मैं ये होता है एक्चुअली में क्या है, मैकेनिकल मिक्सचर होता है। किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है ये? एक तो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट होता है, एक हमारे पास ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट के बाद में बात करूँ, इसमें सल्फर रहता है। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, फिर चारकोल बोल लो, और साथ में कुछ क्वांटिटी में, बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में वाटर होता है, पानी होता है, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वाटर आप ऐसा कह सकते हो कि मॉइस्चर के फॉर्म में होता, तो आप इसको कम, बिल्कुल कम कह सकते हो, लेकिन होता तो है। तो एक्चुअली में है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, इसका मिक्सचर जो है मैकेनिकल मिक्सचर है, उसे हम गन पाउडर कहते हैं। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम नाइट्रेट की, तो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये इसमें मतलब 75% तक पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, 75% तक। अगर मैं बात करूँ सल्फर की, अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो 5% तक सल्फर रहता है। और चारकोल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं चारकोल की बात करूँ तो ये 10% तक रहता है इसमें। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी रिएक्शन वगैरह हो गई, तो जो हमारे पास चारकोल है, ये तो हमारे पास फ्यूल की तरह काम करता है, मतलब चारकोल जो है फ्यूल की तरह काम करता है, और इसमें जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आ जाती है, इसको बर्न करने के काम आ जाती है। तो यहाँ पे हमें फ्यूल भी मिल गया, ये हमें ऑक्सीजन की तरह ऐसे कह सकते हो काम कर रहा है, और ये बाइंडिंग की तरह काम कर रहा है, इन दोनों को मतलब बाइंड करके रख रहा है, और साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। क्लियर हो गया? अब होता क्या है यहाँ पे, जब जब भी ये जो प्रोसेस है पूरा, इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो किस तरह से होता है यहाँ पे, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ एक बार। देखो, पोटेशियम नाइट्रेट ही हमारे पास हो गया ना, पोटेशियम नाइट्रेट, साथ ही साथ हमारे पास और क्या होता है, हमारे पास ये चारकोल रहता है, तो ये आ गया चारकोल हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास सल्फर भी रहता है ना, हाँ सल्फर। तो ये इस तरह की रिएक्शन रहती है। और आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो आपके सामने स्क्रीन में, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े रिएक्शन है याद तो होते नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख के अगर आपको बता दूँ, 56CO2 + 3CH4, ये मैं पूरी लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और ये पूरा जो मतलब रिएक्शन है ना, वो पूरे आपके सामने लिख दिया मैंने, ठीक है, किस तरह से ये रिएक्ट करता है। या अगर आपके पास जो पूरा हमारे पास गन पाउडर था, और प्रोडक्ट जो आपको मिल रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिलते हैं बाद में। और अब ये गन पाउडर ऐसा नहीं कि आपको हर किसी भी कंट्री में जाओगे तो सभी आपको गन पाउडर ही मिलेंगे, इसके भी कई सारे नाम हैं। जैसे मैं गन पाउडर की बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटिश गन पाउडर कहते हैं आप, अमेरिकन जो लोग हैं यहाँ पे, वो गन पाउडर की जगह ऐसे ब्लैक पाउडर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारे नाम हैं, मैं आपको दो नाम जो फेमस है वो यहाँ पर आपको बता रहा था। अब इसका जो कलर रहता है वो जनरली ब्लैक रहता है, ब्लैक क्यों, इस चारकोल के कारण इसका कलर ब्लैक रहता है, लेकिन कभी कभी इसका कलर आपको ब्राउन भी देखने को मिलेगा, चाहे कम केसेस में देखने को मिलेगा, बट कभी कभी ब्लैक भी दिखता है, वो उसका रीज़न ये भी चारकोल ही है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे आपको जो चारकोल मिलता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो इसलिए कभी कभी गन पाउडर भी आपको ब्राउन कलर का मिलता है। तो ये था कुछ बेसिक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गन पाउडर के बारे में, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।